गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो टाइम टेबल मिला है, सिलेबस मिला है, आप लोग रिवीजन की स्टडी कर रहे हैं, तो उस पेपर को सॉल्व कैसे करना है वो देखने के लिए हम ये आज वीडियो बना रहे हैं। तो आपको उस पेपर को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपके गूगल क्लासरूम में जाना है और उसके बाद आपके क्लास, अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे, सेकंड में हैं तो सेकंड में जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं फ़र्स्ट स्टैंडर्ड ले रही हूँ। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने यहाँ पे डेमो पेपर करके एक पेपर की लिंक दी हुई है, तो आपको क्या करना है, आप लोग कैसे कोई भी स्टडी मटेरियल जो टीचर्स ने दिए होंगे, होमवर्क, क्लास वर्क, वो कहाँ से लेते हैं, क्लास वर्क से, तो ये पेपर भी आपका क्लास वर्क में आ जाएगा। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे पेपर, मैथ्स का पेपर मैथ्स सेक्शन में, और उसके बाद इंग्लिश का इंग्लिश में, मराठी का मराठी में, ऐसे आ जाएगा। तो ये तो डेमो पेपर है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे कोई भी मैंने टॉपिक नहीं दिया है, सिंपली डेमो पेपर हेडिंग के अंदर इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, हमारे स्कूल का नाम फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ओके, उसके बाद आपको उस लिंक पे क्लिक करनी है, जैसे आप यूट्यूब की लिंक खोलते हो और उसके बाद टीचर्स के वीडियोस देखते हो, वैसे ही ये लिंक है, लेकिन ये लिंक हमारे पेपर के लिए है। ओके, सो आपको ये क्या करना है, ये स्कूल का नाम आ गया, सुधाकर नारायण शिपुरकर इंग्लिश मीडियम स्कूल फर्स्ट यूनिट टेस्ट प्राइमरी सेक्शन डेमो पेपर। अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन डेमो पेपर दिया हुआ है, इसके बदले यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर, फर्स्ट स्टैंडर्ड मराठी पेपर, हिंदी पेपर, सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश मराठी हिंदी, थर्ड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स के नाम, मीन्स EVS पार्ट वन एंड फोर्थ स्टैंडर्ड EVS पार्ट वन पार्ट टू, फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश हिंदी मराठी मैथ्स, ये सब ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे प्राइमरी सेक्शन डेमो पेपर लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये हो गया, मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और आपका क्लास पता चल गया। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड क्या है, ये सब रिक्वायर्ड नीचे देखिए, ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल एड्रेस जहाँ पे आपको ये स्टार दिखेगा ना, वो रिक्वायर्ड, वो आपको कंपलसरी करना है, उसके बगैर आपको आपके पेपर सबमिट करने नहीं कर पाएंगे आप सबमिट आपके पेपर। तो इस स्टार का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड मतलब वो ज़रूरी है। तो ईमेल एड्रेस क्या ज़रूरी है, सबसे पहले ईमेल एड्रेस, तो आप सबको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ, ये है मेरा ईमेल एड्रेस। ओके, यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं सिंपली अपना पेपर सॉल्व करना चालू कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + 2 इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस, यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, तो आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगे वो ऑप्शन आपको करना है, आपने स्टडीज़ की है तो उस हिसाब से आपको जो भी रिविजन में टीचर्स ने दिया है, आपकी स्टडीज़ में सिलेबस में जो भी दिया है उस हिसाब से ही पेपर आएगा, 20 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, और ये डेमो पेपर मैंने 8 मार्क्स का दिया है। ओके, तो आप इसको इसको भी सॉल्व करना है आपको, डेमो पेपर को आपको लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो किस तरह से सॉल्व करना है इसीलिए, तो पहले पहले आपको क्या करना है, आपका ईमेल एड्रेस डाल दिया, फिर पेपर सॉल्व करने ले रहा है, 2 + 2 = 4, तो यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दिया, 4 सिलेक्ट हो गया, ये पर्पल कलर में आ गया। उसके बाद फर्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, देन अब देख सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन के इधर भी ये छोटा रेड कलर का स्टार है, और रेड कलर का स्टार मीन्स व्हाट, रिक्वायर्ड मीन्स कंपलसरी, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। ओके, हर क्वेश्चन कंपलसरी है आपको। हु गिव्स मिल्क, हु गिव्स मिल्क, अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए, डॉग, काउ, पैरट और आउल। हु गिव्स मिल्क, मिल्क कौन देती है, गाय, सो काउ, काउ पे हमने सिलेक्ट कर दिए, काउ सिलेक्ट हो गई, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व, देन थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड दैट बिगिंस विथ लेटर एस, मीन्स एस इस लेटर से स्टार्ट होने वाला, बिगिन होने वाला कौन सा वर्ड है यहाँ, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस फिर से दिए हुए, बिकॉज दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ये सब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन को आपको चार ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो ऑप्शंस क्या है, SUN सन, PAN पैन, BAN बैन एंड RUN रन। सो एस लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड सन, तो सन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपको आंसर आपको करेक्ट लगे आपको वो उसको सिलेक्ट कर लेना है, आपने स्टडीज़ की है, लर्निंग की है, तो उस हिसाब से आपको आंसर्स सिलेक्ट करने हैं, सिंपल है बहुत,
क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग इमेज। तो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, तो इस इमेज का नेम क्या है वो देखना है। सो ये दिस इज फ्लावर और ए ट्री और ए बोट और ए गोट। ये फ्लावर है, ट्री है, बोट है या गोट है? तो सबको पता है ये एक फ्लावर है, तो फ्लावर को हमने सिलेक्ट कर लिया है। मीन्स आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अगर कोई इमेज दी होगी तो उसको देखना है, और उसके बाद क्वेश्चन आपका जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से आपको आंसर सिलेक्ट करना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, व्हाट इज 5 माइनस 3? 8, 4, 6 और 2। सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, सो मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिलेक्ट, जिधर भी देख लीजिए आपको, उस पर क्लिक करने के बाद आपका वो पर्पल कलर में हो जाता है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट सिलेक्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स सिलेक्ट करने हैं। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हेड, शोल्डर, हैंड्स एक्सेट्रा, और लीफ, फ्रूट, सीड, रूट, वुड एंड फ्लावर। नो, सो ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है। तो ये हेड, शोल्डर एंड हैंड्स ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है। तो मुझे ये आंसर करेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी? सिलेक्ट कर दूंगी। ये जो राउंड है इस पर क्लिक करते ही वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन, गिनती पूरी करे, 4 स्पेस 6। तो 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, कौन सा अंक आता है? तो वो हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5, 7, 9 या 1। तो मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है 5, तो मैंने 5 को सिलेक्ट कर लिया सर्कल पे क्लिक करके, वो मेरा आंसर क्लिक सिलेक्ट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, अ-ई-डैश मधले स्वर ओळखा। मीन्स यहाँ पे मराठी का ये क्वेश्चन है, अ स्पेस ई स्पेस और उसके बाद मधले स्वर ओळखा, मीन्स इन दोनों के बीच में कौन से स्वर आते हैं, तो वो हमको सिलेक्ट करना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, आ ई ऊ ऊ न न श श। तो कौन से स्वर आते हैं बीच में? तो हमें अ आ ई याद करनी पड़ेगी इसके लिए, अ आ ई ई। तो अ के बाद आ और ई के बाद दूसरी ई। सो हमको ये वाला आंसर करेक्ट लग रहा है, तो हमने इस पर सिलेक्ट कर दिया। हो गया, आपके 8 के 8 क्वेश्चंस हो गए। तो आपको क्या करना है, एक ही बार ये पेपर सॉल्व करना है। अगर आप सेकेंड टाइम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपके मार्क्स कंसिडर किए हुए नहीं जाएंगे, और इसको इस पेपर के लिए मार्क्स है आपके, इसी बेसिस पे आपके रिजल्ट तैयार होने वाले हैं, तो बी सीरियस। तो आपको अगर फिर से आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो वो मार्क्स हम लोग नहीं ये करने वाले, काउंट करने वाले। फर्स्ट टाइम जो पेपर सॉल्व होगा उसी के मार्क्स हम लोग काउंट करेंगे। तो आप पेपर पूरा एक बार सॉल्व करने के बाद आप पेपर चेक कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लस 2 4, ये मैंने चेक कर लिया। फिर हु गिव्स मिल्क? काउ। सिलेक्ट द वर्ड दैट बिगिंस विथ एस, सन। नेम द फॉलोइंग इमेज, फ्लावर की इमेज है, फ्लावर सिलेक्ट किया हुआ है। देन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये भी कर लिया चेक। सिलेक्ट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हेड, शोल्डर एंड हैंड्स, ये हो गया सिलेक्ट। देन गिनती पूरी करे, 4-6, तो बीच में का अंक 5, उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अ स्पेस ई स्पेस मधले स्वर ओळखा, तो मधले स्वर का ये आ आणि ई, तो उसको भी सिलेक्ट कर लिया। मीन्स हमने पेपर एक बार चेक भी कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन है, तो उस सबमिट बटन को अपना पेपर एक बार से पूरा, सबसे पहले अपने ईमेल आईडी डाल दिए, फिर पूरा पेपर हमने हमारे हिसाब से आंसर्स क्लिक कर दिए, उसके बाद हमने पूरा पेपर एक बार रीचेक किया, फिर हमें सबमिट बटन क्लिक करना है। और सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। हो गया सबमिट। सबमिट होने के बाद आपको तुरंत ही आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो आ गया ये स्कूल का नाम, उसके बाद योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मीन्स आपका जो भी रिस्पॉन्स है उस पेपर के लिए, जो भी आपने आंसर्स दिए हैं वो रिकॉर्ड हो चुका है। और अगर आपको आपका रिजल्ट देखना है तो आपको किस पे क्लिक करना है, व्यू स्कोर, यहाँ पे जो व्यू स्कोर का बटन है उस पे क्लिक करना है। तो देखिए, 8
8 out of 8 मीन्स 8 क्वेश्चंस थे और 8 में से 8 क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स करेक्ट दिए, मीन्स मुझे आउट ऑफ मार्क्स पड़ गए। और उसके बाद भी अगर आपका कोई आंसर गलत है और आपको जानना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो आप नीचे देख सकते हैं। नीचे देखिए, प्राइमरी सेक्शन डेमो पेपर, ये आपका पेपर था। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे नीचे, आपके करेक्ट आंसर कौन से है, 4 वाला करेक्ट, फिर सेकेंड का काउ, 3rd का सन, 4th का फ्लावर, 5th का टू, 6th का हेड शोल्डर एंड हैंड्स, 7th का गिनती, 8th का आ एंड ई। तो फिर ये सब आपके करेक्ट वाले आंसर है। अगर इसके बजाय मैंने कोई गलत आंसर क्लिक किया होता तो वो भी आपको पता चल जाता कि वो आंसर रॉन्ग था और करेक्ट वाला दूसरा आंसर था। ठीक है, तो ये था आपका डेमो पेपर। तो ये हो गया, ऐसे आपको सॉल्व करना है। बस आपको ये याद रखना है कि ऊपर आपको ईमेल आईडी याद से डालनी है, और एक पेपर आप एक ही बार सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वापस सॉल्व करने जाएंगे तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो फर्स्ट टाइम सॉल्व किया हुआ पेपर है उसी को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।